मुगमा एसीएल में 50 घंटा बीत जाने के बाद भी नहीं लगा सुराग दोनों कर्मियों का। कटक से आई गोताखोर भी नहीं लगा सके पता। जीएम ने कहा बचाने का किया जा रहा है प्रयास। धनबाद जिले के निरसा में कार्यरत ईसीएल मुगमा एरिया की खुदिया कोलेरी में एमएस सीम में दो दिनों से लापता दो कर्मी पंप ऑपरेटर बसिया मांझी एवं हेल्पर मानिक बावरी का 50 घंटा के बाद भी कोई पता नहीं मिला। खदान में रेस्क्यू को गई कटक की 6 गोताखोरों की टीम 6 बजे खाली हाथ निकली। आज फिर से गोताखोरों की टीम खदान में लापता दोनों कर्मियों की तलाश में जुट रही है। वहीं घटना को लेकर धनबाद सांसद ने कई सवाल खड़े किए हैं और पूरे मामले की जांच की मांग की है। खदान के अंदर फंसे मजदूरों को निकलने के लिए कटक से पहुंची टीम खदान के अंदर पानी में 53 मीटर तक गए, लेकिन दोनों लापता कर्मियों का कोई सुराग नहीं मिला। आज सुबह गोताखोर फिर से खदान में उतरेंगे। दरअसल एमएस सीम में 75 मीटर तक पानी भरा हुआ है। कटक से पहुंची गोताखोरों की 6 सदस्यीय टीम बुधवार सुबह 9 बजे खदान के अंदर भारी पानी में 2 लापता कर्मियों की तलाश में उतरी थी। 53 मीटर अंदर जाकर लापता कर्मियों की तलाश की, उससे आगे बढ़ने पर ऑक्सीजन पाइप भारी हो जा रहा था, इस कारण आगे बढ़ने में परेशानी होने लगी। एक गोताखोर 20 मिनट के लिए ऑक्सीजन पाइप के साथ अंदर जा रहा था। गोताखोरों की टीम ने प्रबंधन से कहा कि 16 मीटर पानी कम कर देंगे तो लापता कर्मियों को खोजकर निकाल देंगे। पानी निकासी के लिए 5 मोटर पंप लगाया गया है। वहीं मुगमा ईसीएल में हुए घटना को लेकर धनबाद सांसद ने प्रबंधक और डीजीएमएस पर कई सवाल खड़े किए हैं। सांसद पीएन सिंह ने कहा कि प्रबंधक के अनुसार पानी जमीन के अंदर से एकाएक पानी भरा, उस पर सांसद ने कहा कि जमीन के अंदर इतना जल्दी पानी 16 फुट कैसे भर सकता है। वहीं अगर पानी दीवार तोड़कर आई है तो कोलेरे के माइनिंग सर्वेयर और सेफ्टी ऑफिसर क्या कर रहे थे, खासकर डीजीएमएस क्या कर रही थी। इस सभी पहलुओं पर जांच की जरूरत है। फिलहाल कर्मी सकुशल लौटे यही कामना है। पहले तो 2 कर्मचारी खदान के अंदर हैं, वह सकुशल वापस आए, ये भगवान से प्रार्थना हम लोग कर रहे हैं। अभी जो समाचार पत्रों के माध्यम से बात आई कि पानी का लेयर पिलर को तोड़कर आया, लेकिन अभी अधिकारियों का कहना है कि पिलर को तोड़कर नहीं आया, बल्कि वह जमीन के नीचे से आया। यह विषय जांच का है कि जमीन के नीचे से पानी आया तो एकाएक ऊपर स्तर तक कैसे पहुंच गया। उसको नीचे से आता है तो धीरे धीरे धीरे, अगर कहीं दूसरे जगह पानी जमा है और उसके दीवार को तोड़कर पानी घुसा तो एकाएक जितना पानी दूसरे साइड में है वो उसका लेयर हाइट तक पहुंच जाता है। अभी अच्छी पहल हुई है, उड़ीसा से आए हैं रेस्क्यू वाले और वह अंदर गए हुए हैं। अंदर आने के बाद यह सारा विषय पर जांच निश्चित रूप से होना चाहिए और जांच की मांग भी करता हूँ। डीजीएमएस की जिम्मेवारी है कि जो सेफ्टी माइंस है, सुरक्षित खदान है, उसी पर काम करने के लिए अनुमति देना। ऐसा नहीं है सुरक्षित खदान को, तो निश्चित रूप से यह सारा विषय जांच के दायरे में। वहीं खदान के फंसे मजदूरों के परिवारों का रो रोकर बुरा हाल है और पति की जल्द वापसी की मांग कर रहे हैं। आप कहां से आए? सिरपुर गया। यहां पर कौन थे ये जो आपके पति जो अंदर में फंस गए हैं? मेरा स्वामी है। तो क्या कहना चाहते हैं इस बारे में आप? हमारा स्वामी की चाहिए और की चाहिए, हाँ स्वामी की चाहिए, क्या बोल रहे हैं मैनेजमेंट खुद जे वाला बोल रहे हैं खोज नहीं रहा हूँ
आपके कितने लड़के हैं? दोटा। क्या नाम है दोनों का? एक तो शीतल, एक तो मित्र। आप यहाँ पर नहीं रहते थे ना? ना, आप बाहर ही रहते थे। बाहर कहाँ? शिवपुरिया। वहाँ से डिप्टी आता था। धन्यवाद। सारी काम जो फास्टेस्ट स्पीड से किए जा रहे हैं, सारे लोग अपने साथी की जान बचाने के लिए लगे हुए हैं और काम बहुत तेजी से, लेकिन अंडरग्राउंड में कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं और उस रिस्ट्रिक्शन को ध्यान में रखते हुए, सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए काम फास्टेस्ट स्पीड से किया जा रहा है, जिससे कि हम लोग जो हमारे साथी ट्रैप्ड हैं उनको हम जल्दी से जल्दी निकाल सकते हैं। काफी पॉजिटिव रिजल्ट है एंड उम्मीद है कि आज हम अपने साथी को वापस ले आएंगे। उतने का हमारी कोशिश है कि हम आज अपने साथी को निकालें। देखिए, ऐसा क्वेश्चन हमने किया है कि बहुत चीज़ उसमें डिपेंड करता है और ये हेड और क्वांटिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। हम यही बोल सकते हैं कि फास्टेस्ट स्पीड से हम काम कर रहे हैं और हर संभव कोशिश की जा रही है कि हम जल्दी से जल्दी अपने कामगार को निकाल सकें।